मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, हम सभी लोगों के साथ एक समस्या ये होती है कि जिस भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं हमारा डाटा खोने का बहुत डर रहता है। जैसे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है या फोटोज है, गूगल ड्राइव है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा डाटा खोने का डर रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने डाटा को खोने से बचा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं और हम जब भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो उसमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर और गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज, इस तरह से हमारे जो जीमेल अकाउंट होता है उससे हमारा डाटा जो होता है वो श्रिंक होता है। जैसे जब भी हम लोग कोई भी फोन डाटा जो कोई भी मोबाइल नंबर वगैरह सेव करते हैं तो हमारे गूगल कॉन्टेक्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या कि जब भी हम लोग कोई भी नया फोन लेते हैं तो और हमारे एक समस्या ये होती है कि हमारे इस फोन से डाटा जो है उस फोन में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। जैसे हमारे पास जो भी मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो उस मोबाइल में नहीं हो पाता है। अब होता क्या है कि इस कंडीशन में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इस कंडीशन में आप वही डाटा, सेम टू सेम डाटा को अपने उसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में रख सकते हैं आसानी से। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे techout.google.com। इतना करने के बाद ये आपको पहला लिंक दिख रहा है टेकआउट गूगल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लॉग इन जाना या जिस भी ईमेल आईडी का डाटा आप चाहते हैं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रख लें उससे लॉग इन होना है। तो मैं अभी लॉग इन हो जाता हूँ ईमेल आईडी, उसके बाद आप पासवर्ड इंटर करेंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब कौन कौन सी फाइल को अपने एक्सपोर्ट करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो यहाँ से अभी सबसे पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डिसलेक्ट ऑल का, अभी हम डिसलेक्ट कर लेते हैं और जो जो हमको चाहिए उस पर क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कॉन्टैक्ट जो भी मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में है हम चाहते हैं कि वो डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में हो जाए। अब देखिए यहाँ वी कार्ड फॉर्मेट में, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हम कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर चेक कर लेंगे। और मान लीजिए गूगल ड्राइव का डाटा हमें चाहिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन देगा, नीचे आएंगे स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे किस फॉर्मेट में चाहिए, जिप में, क्रिएट एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये दिखा रहा है आपका ये पूरा डाटा कितना है। यहाँ से आप क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जिससे आपका पूरा डाटा आपके लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक कर दें।